देश में 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर यानी सोमवार से हो चुकी है। बता दें कि इस महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री अपना 70वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस बार उनके जन्मदिन पर कोई भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा के युवा मोर्चा के संजू नारायण सिंह ने बताया कि 14 सितंबर से सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है, जिसके तहत भारत देश सहित छत्तीसगढ़ में भी लाखों भाजपा कार्यकर्ता लोगों की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपना 70वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, इसलिए देश के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में सेवा सप्ताह के दौरान स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान प्रत्येक जिले के प्रमुख स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। 14 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडलवार ऐसे युवा जो रक्तदान करते हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर सूचीबद्ध करेगी। 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सफाई कर्मचारियों का सम्मान, श्रमवीरों का सम्मान और कोरोना वॉरियर्स ऐसे लोगों का सम्मान भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगी। वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी उमेश गुरमोडो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस दौरान कम से कम कई वर्चुअल रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। इसके तहत शहर के साथ गांव में भी भाजपा कार्यकर्ता सेवा शिविर लगा रहे हैं। सेवा सप्ताह के तहत 14 सितंबर से 20 सितंबर तक विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 70 वर्ष के हो रहे हैं। अगर हम उनके जीवन और उनकी यात्रा को देखें तो सेवा उनके जीवन का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। उनका जीवन लोगों और देश की सेवा में समर्पित रहा है, इसलिए भाजपा ने 14 से 20 सितंबर को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसको हम सभी कार्यकर्ता भली भांति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है। इस सेवा सप्ताह के दरमियान विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से जनता तक पहुंचा जाए और किस प्रकार से पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों की हम सेवा कर सकें, इस दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और इस सेवा सप्ताह के दरमियान, क्योंकि कोविड का भी समय चल रहा है, तो कोविड के तमाम नियमों को ध्यान में रख हुए, चाहे हम मास्क वितरण की बात करें, सैनिटाइजर वितरण की बात करें या अस्पतालों के अंदर में फल फ्रूट वितरण की बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन कार्यों में लगे हैं। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राहुल राय ने कहा कि इस दौरान राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्य जिलों व गाँव में भाजपा कार्यकर्ता अभियान के तहत लोगों की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता देश के सभी जिलों में स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान, रक्त और प्लाज्मा दान करेंगे। हमने प्रत्येक जिले में कम से कम 70 दिव्यांग लोगों को सहायता प्रदान करने का एक लक्ष्य बनाया है। इस शुभ अवसर पर केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से 17 से 23 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी मंडल एवं क्षेत्र में निवासरत सभी रक्तदाताओं की एक विस्तृत सूची तैयार करेगी। विशेष बात यह है पूरे कार्यक्रम में कि यह सारे कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ किए जाने। TCP 24 न्यूज के लिए कैमरामैन अरुण चंघेल के साथ निधि नामदेव की रिपोर्ट।